में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पास्का का अर्थ है पार होना। यहूदियों के लिए मिस्र की गुलामी से पार होना, लाल सागर के पार होना, यह सब बहुत मायने रखता था। वे दुख का अनुभव कर चुके थे और उससे पार हुए थे। पास्का उनके बीते दुखद इतिहास का भाग था, किंतु प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठना मृत्यु को पार करना है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र बिंदु है। हर क्रिस्तीय पुनरुत्थान की आशा में अपना जीवन बिताता है। हम में भी वही आत्मा जीवित है जिसने प्रभु यीशु को पुनः जीवित किया है। जो कोई इस पुण्य तथ्य को अपने जीवन में विश्वास नहीं करता है, वह कभी भी एक सच्चा ईसाई नहीं बन सकता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद पुनरुत्थान की आशा हम में खुशियां लाती है। जो कोई ईश्वर की योजनाओं के अनुसार जीवन बिताता है, उस पर मृत्यु का कोई असर नहीं हो सकता है। ऐसे लोग मरने पर भी जीवित हैं। इसलिए संत पौलुस सवाल करते हैं, मृत्यु कहां है तेरी विजय, कहां है तेरा दंश? पुनरुत्थान को पाने के लिए हमें दुख कष्ट, दुख भोग एवं मृत्यु के मुंह से गुजरना पड़ेगा। यह सब हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इसलिए पास्का पर्व हमारे लिए आनंद और उल्लास एवं आशा का शुभ संदेश है। यह पर्व हमें निराशा से बचने, आशा का जीवन जीने तथा इस संसार में जीवन पर्यंत नए जीवन की आशा हेतु आमंत्रित करता है। यह हमें आशा दिलाता है कि दुख संकटों का भी हमारे जीवन में अर्थ एवं महत्व है, जो हमें महिमान्वित जीवन योग्य बनाता है। तो आइए इस महान खुशी के अवसर पर हम पुनर्जीवित यीशु को धारण कर जरूरतमंदों की सहायता करते, दुखियों को सांत्वना देते, तिरस्कृत लोगों को प्यार करते, राहगीरों को रास्ता दिखाते तथा रोगियों को ढांढस बंधाते हुए जीवन जिए, तथा हम भी पास्का पर्व के इस अवसर पर आनंद, उल्लास एवं आशा का अनुभव कर सके। सबों को हैप्पी ईस्टर।